हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस स्टाइल अप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे से हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हैवी स्टोन वर्क वाली सिल्क साड़ी को ड्रैप करने का बहुत ही आसान सा तरीका। एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि साड़ी ड्रैप करने के बाद पल्लू वाला जो पोर्शन है वो लूज हो जाता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला है, इसलिए मैंने पहले ही कैरी कर रखा है। सो अगर आपका भी फुटवेयर हील वाला है तो पहले ही वेयर कर ले ताकि साड़ी ऊँची नीचे ना हो जाए। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। तो जब भी आप अपनी साड़ी को खोलती हैं उसका पल्लू वाला पोर्शन पहले लेना है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका ब्लाउज पीस है, इसमें जो अटैच था तो मैंने अभी तक कट नहीं किया है। इसे हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एंड ये देखिए हमारा पल्लू वाला पोर्शन है, तो पल्लू वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे, इस साड़ी को मैंने ऑनलाइन परचेज किया, आपको परचेजिंग डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारी साड़ी का ये आखिरी सिरा ना, आखिरी सिरे को रखते अपने राइट हैंड साइड की तरफ और पूरे सामने वाले पोर्शन को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देखिए राइट से लेकर लेफ्ट तक अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है। ऊपर जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हम कमर में टकिंग करेंगे। तो पहले मैंने राइट में टक किया फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच गया इसको अच्छे से आपको इंसर्ट करना है, सामने छोड़ना नहीं तो टमी के पास फुली फुली दिख सकती है। तो पूरा फैब्रिक को अंदर तक आपको इंसर्ट कर लेना है। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद हम साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे। एंड यहाँ राइट साइड में थोड़ा सा टाइटली से साड़ी को खींचते हुए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हुए राइट में टकिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग कम्प्लीट हो गई है। अब हम साड़ी को लेते हुए साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते हैं, नहीं तो साड़ी पीस से उलट पुलट हो सकती है। सो यहाँ पर देखिए ये हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, तो बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है इसे छोड़ना है, और जो आपको राइट हैंड में फैब्रिक दिख रहा है ना, इसका दूसरा कॉर्नर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, जो प्रोसेस रहता है वो सेम ही रहता है। मैं यहाँ पर राइट से उठाऊंगी इसलिए लेफ्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग कर लिया है, और राइट हैंड साइड से देखिए पल्लू का जो बॉर्डर है ना इसको अपने टमी पर रखते हुए मैं सेट कर रही हूँ मुझे कितनी चौड़ी प्लीट बनानी है। अगर आपको चौड़ी प्लीट बनानी है तो फिंगर को थोड़ा सा फैला लीजिए, और पतली बनानी है तो और थोड़ा सा चिपका लीजिए। सो मैं यहाँ पर बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्लीट बना रही हूँ। अब देखिए थंब के जो बगल वाले फिंगर है उसमें फैब्रिक को फंसाना है, और स्मॉल फिंगर में देखिए फिंगर के ऊपर से घूमते हुए जा रही है तो स्मॉल फिंगर में फंसाना है, फिर थंब के बगल वाली इसी तरह से जिगजैग करते हुए हम प्लीट बनाएंगे। जो लोग बिगनर हैं जिनके हैंड बिल्कुल नहीं चलते ना, वो इस तरह से इजली से प्लीट्स बना सकती हैं। अब देखिए सामने की जो प्लीट है ना, ये मेरी सभी प्लीट्स से थोड़ी सी चौड़ी बनी है। अगर ये नहीं बनती है तो इन्हें हम एडजस्ट भी कर लेते हैं। अब जो प्लीट बन गई है ना, इन्हें हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे ताकि प्लीट्स छूट भी जाए तो हमें दोबारा न बनानी पड़े। लेफ्ट वाले हैंड में देखिए प्लीट को पकड़ते हुए थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि जो प्लीट है ना वो हमें नज़र आए, इनके डायरेक्शन समझ में आए। तो इसलिए थोड़ी सी दूरी पे देखिए हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज कर रहे हैं, पूरा एक बार में सेट नहीं करेंगे। इतना पोर्शन रेडी हो गया है तो थाई पर रखते हुए मैं रब कर रही हूँ ताकि जो प्लीट की फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए अगेन देखिए हम थोड़ा सा झटकेंगे, एंड साइड से थोड़ी सी दूरी पे हम वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। झटकने से क्या होता है कि हमारी आगे वाली प्लीट्स हमें नज़र आती है और हम इजीली से अरेंज कर पाते हैं। सो यहाँ पर देखिए इतना पोर्शन हमारा अगेन रेडी हो गया है, तो यहाँ देखिए थाई पर रखते हुए रब कर लेंगे ताकि प्लीट अच्छे से बैठ जाए। लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉल नज़र आता है। सामने की तरफ जो प्लीटें हैं ना, एक बार इन्हें भी ज़रूर ठीक करें, नहीं तो क्या होता है सेफ्टी पिन लगाने में ये इधर उधर हो जाती हैं, अच्छे से सेट नहीं होती हैं। अब देखिए हमारा पल्लू वाला पोर्शन रेडी है, तो हमें लेनी है सेफ्टी पिन। एंड देखिए जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है ना, उससे एक या दो इंच बैक में जाना है। एंड पल्लू की प्लीट्स ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है, सेफ्टी पिन आपको इसके बाद लेनी है। एंड ब्लाउज के अंदर से देखिए सेफ्टी पिन लगानी है, जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगे आपका पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पर सेट रहेगा। अब हम सामने की तरफ आएंगे, एंड यहाँ पर देखिए जो पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर होता है ना,
इसको अपने चेस्ट पर सेट करना है। अब यहाँ पर सेट करते वक्त आपको देखना है कि पल्लू आपका नेक के ऊपर ना चढ़ जाए, इस तरह से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका पल्लू वाला पोर्शन सेट करते हुए आप बैक से घुमाते हो, लेफ्ट की तरफ निकालती है ना, तो यहाँ पर देखिए टाइटली से खींचना है। एंड इसके बाद जो आपकी प्लीटें हैं ना शोल्डर की, ने वन बाई वन ठीक कर लेना है ताकि बैक साइड में जाकर ये एक्स्ट्रा फूली फूली ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक एक प्लीट को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ नेक के ऊपर ये चढ़ जाएगी बाद में, तो इसके लिए मैं आगे आपको टिप्स देने वाली हूँ, उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पल्लू वाला पोर्शन जब हिप पे आता है ना लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसे सेट करते आपको राइट वाले पैर तक लेकर आना है एंड यहाँ पर सिक्योर करना है। अब सिक्योर करने के लिए देखिए, आपको थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लेना है, इस वाले फैब्रिक को पेटीकोट के साथ पकड़ना है। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है, सेफ्टी पिन में मैंने प्लास्टिक अटैच किया ताकि साड़ी फंस के ना पड़ जाए। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे, जैसे कि स्टिचिंग करते हो। ऐसा करने से देखिए हमारी हिप पे बॉर्डर भी सेट रहेगी, हिप वाला पोर्शन भी फिटेड हो गया है और हमारी साड़ी भी डैमेज नहीं होगी। अब थोड़ी सी दूरी पे देखिए, हम साड़ी को लेते हुए ट्विस्ट किए अंदर की तरफ एंड ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा फिटेड हो गया, काफ़ी सारी प्लीटें भी बन गई हैं। अब जो ट्विस्ट वाला पोर्शन है, इसे कमर में टकिंग करेंगे। अगर आपको लगता है ये टकिंग निकल सकती है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की साड़ी पिन के हब से मैं सिक्योर कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, जिनको लगता है कि निकल जाएगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेयर करना, उनके लिए थी टिप्स मेरी तरफ से। अब यहाँ पर देखिए, जो हिप पे प्लीटें बनी है, इन्हें भी हम ठीक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं, इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर भी आप राइट लेफ्ट कोई भी हैंड का यूज़ कर सकती हैं। जो प्लीट्स बनाने का तरीका होता है ना, वो आपका एकदम ऐसे ही रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर नेवा से चार अंगुल आगे जाएंगे, थंब एंड उसके बगल वाले फिंगर से फैब्रिक को पकड़ेंगे। यहाँ पर देखने, जो स्टार्टिंग में फैब्रिक छोड़ा है ना, उसे हम बाद में मैनेज करते हैं। पहले आपको प्लीट उठानी है, तो थंब एंड उसके बगल वाले थ्री फिंगर से फैब्रिक को पकड़ लेना है। स्मॉल फिंगर जो आपको अलग दिख रही है ना, इसमें फैब्रिक को फंसाना है, सामने लाकर थंब से दबाना है। देख रही है, फिंगर के ऊपर से फैब्रिक घूमकर जाती है और आपको सामने लाकर थंब से दबाना है, और बैक साइड में जब जाती है तो स्मॉल फिंगर में फंसाना है। सो इस तरह से हमारी जो प्लीट है, वो काफ़ी इजली से बन जाती है। अब अगर आप बिगनर होंगी, तो आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो इजली से नहीं निकलेगी, तो आपको टमी का सहारा लेना है। और देखिए, लेफ्ट हैंड से प्लीट को होल्ड करके आपको स्मॉल फिंगर को इजली से निकालते हुए प्लीट्स बनानी है। अब इस ट्रिक से मैं प्लीट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारी जो प्लीट है ना, वो चौड़ी चौड़ी हमें बनानी है। अब देखिए, प्लीट बन जाने के बाद अंदर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे। अब यहाँ पर प्लीट को खोलते हुए अच्छे से झटक लेना है। इसके बाद हम ऊपर साइड से अरेंज करेंगे, तो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करते हैं। ऐसे अरेंज करने से हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन भी फॉल साइड नहीं दिखती है। अब देखिए, सभी प्लीट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लेना है। केवल पहली प्लीट को खोलेंगे और स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। ऐसा करने से हमारी जो फर्स्ट प्लीट है, काफ़ी अच्छे से बाकी के प्लीट्स के साथ सेट रहती है और हमारे जो राइट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है ना, वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। अब हम अंदर से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटक देंगे एंड यहाँ पर देखिए, हमारी प्लीट बन तो गई बट काफ़ी ज़्यादा फूली फूली है, तो इन्हें सेट करने से पहले हम ऊपर की तरफ थोड़ी सी दूरी पे साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे एंड यहाँ पर सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं सेम साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी पिन हमारी साड़ी को ख़राब भी नहीं करती और अच्छे से सिक्योर भी रखती है। अब देखिए, प्लीट सिक्योर हो जाने के बाद हमें इन्हें सेट करना है, तो थोड़ी सी दूरी पे साइड से हम वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। एक बार में आपको पूरा सेट नहीं करना है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आप सेट करेंगे। इतना पोर्शन हमने अरेंज किया, तो यहाँ पर सिक्योर करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए सिक्योर करना है, तो मैं कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सिक्योर हो जाने के बाद सभी प्लीट को हैंड से दबाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आना है। अब देखिए, जहाँ हमने चिमटी लगाई है, वहाँ पकड़ कर झटक देंगे प्लीट को एंड थोड़ी सी दूरी पर साइड से हम अगेन वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें अरेंज करके सेट करना है। अब इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया, तो ऊपर से देखिए हम फोल्ड करते हुए आएंगे प्लीट की तरह, ताकि जो ऊपर की प्लीट है ना, वो बैठती हुई नीचे तक आए। अब देखिए, नीचे जो फॉर साइड की प्लीट है ना, अब यहाँ पर हमें अरेंज करना है। एक भी प्लीट आपकी अंदर की तरफ दबी न रह जाए, ध्यान से एक एक प्लीट को आपको अरेंज करना है। अब देखिए, जो हमारी फॉल साइड की प्लीट है ना, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से बैठाना होता है क्योंकि यहीं पर फॉल लगी होती है, और यहाँ पर अगर आपने अच्छे से सेट कर लिया, आपकी प्लीट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेट रहेगी। तो बस फॉल साइड वाले पार्ट को अच्छे से अरेंज करके हैंड से दबाते हुए प्रेस करना है, एकदम टाइटली से प्रेस कीजिएगा हैंड से ये, ताकि प्लीट अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसके बाद आप प्लीट को धीरे धीरे करके इस तरह से खोलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे
एंड यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपकी जो प्लीट काफ़ी ज़्यादा फुली फुली बिखरी बिखरी दिख रही थी, काफ़ी अच्छे से बैठ चुकी है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज कर लेंगे। प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद थोड़ी सी चौड़ी प्लीट को आपको ऊपर खींचना है एंड इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करते वक्त यहाँ पर आपको प्लीट को पकड़े रहना है तब तक जब तक कि आपकी प्लीट वाली फैब्रिक अच्छे से अंदर तक टकिंग ना हो जाए। टक हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई है तो उन्हें पहले इस तरह से हल्का हल्का गैपिंग रखते हुए स्प्रेड कर ले। इसी को कहते हैं हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग, जिससे हमारी सभी प्लीट्स नज़र आती है। अब राइट साइड की तरफ जो ओपन पार्ट है इसे भी हम अच्छे से कमर में टकिंग करेंगे। ये वाला पोर्शन आपका पल्लू से कवर हो जाता है। पल्लू की प्लीट्स को आपको फिर से एक बार ठीक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक के ऊपर चढ़ जाती है और पल्लू वाला पोर्शन लूज हो जाता है ना, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचते हुए सामने लेकर आना है शोल्डर के पास और जो भी फैब्रिक है इसे फोल्ड करके ब्लाउज के साथ पकड़ लेना है। छोटी सी सेफ्टी पिन लेनी है एंड देखिए ब्लाउज के अंदर से आपको सिक्योर कर लेना है। ये सेफ्टी पिन आपकी नज़र नहीं आएगी क्योंकि पल्लू की प्लीट से हाइड हो जाती है। अब जो पल्लू आपका लूज हो जाता था वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और जो नेक के ऊपर चढ़ जाती है कुछ टाइम बाद वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा पल्लू का प्लीट्स काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। हिप वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा फिटेड है। सो इस तरह से आप अपनी सिल्क की साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की आपने चिमटी सेफ्टी पिन लगा रखी है उसे रिमूव कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारा फाइनल लुक आप देख सकती हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।